समीर, वाइफ को खुश कैसे रखते हैं जरा बताओ ना, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं। अगर आप अपने वाइफ को हमेशा खुश रखना चाहते हो तो अपने पर्स का मुंह खुला रखो और अपना बंद। समीर, आज मैंने एक बात पढ़ी कि औरतें हमेशा है ना आदमी से ज्यादा खुश रहती है। हाँ रहेंगी, क्योंकि उनकी कोई बीवी नहीं होती ना। फरा, एक बात बताओ मुझे, मेरे गाल पे जो मच्छर बैठा था आपने उसको क्यों मारा? क्योंकि वो आपका खून पी रहा था और डेंगू बहुत हो गया है ना अभी इसके लिए। सीधा सीधा बोलो ना, आपको जेलस फील हो रहा था क्योंकि आपके होते हुए कोई और मेरा खून पी रहा था ना। नो 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 नो, मेरे होते हुए। हाँ अभी आए ना बड़े मुद्दे पे। पता है कह दूं तुम्हें या चुप रहूं? चुप रहो, सीरियल भी ठीक से देखने नहीं देते, हटो यहाँ से। नो 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 नो। बेबी, आप कितने अच्छे लग रहे हो। थैंक यू बेबी, काश आप भी मेरे जैसे अच्छे लगती तो मैं ये बोल पाता आपको। तो कोई बात नहीं, आप भी थोड़ा सा झूठ बोल लो। समीर, मुझे एक डायमंड रिंग दिला दो ना। क्यों? क्योंकि मैं उसको देख के हमेशा आपको याद करूंगी। याद तो तुम मेरे को वैसे भी करोगी। कैसे? कि कंजूस को डायमंड रिंग मांगी थी, दिलाई नहीं। नो 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 नो। फरा, सर मेरा आज बहुत दुख रहा है यार, सुबह से मेरा बहुत सर दुख रहा है, थोड़ा दबा दो ना। हाँ थोड़ी देर से दबा देती हूँ और थोड़ी मालिश भी कर दूंगी, ठीक है? हाँ यार बहुत दुख रहा है सुबह से। अच्छा एक बात बताओ, शादी के पहले जब आपका सर दर्द होता था तो कौन दबाता था? शादी से पहले मेरा सर कभी दर्द होता ही नहीं था। अरे मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। अभी मैंने दबाने वाली। अरे पर मैंने नहीं, मैं दबाने वाली नहीं हूँ, इसके लिए मैंने पूछी आपको। तुम्हारी जगह ना मैंने किसी समझदार इंसान से शादी करनी चाहिए थी। कोई समझदार इंसान ना तुमसे शादी नहीं करता। यही सुनना था। समीर मुझे मॉडल बनना है, आप मान जाओ ना। क्यों नहीं मान रहे हो, बोलो ना क्यों नहीं मान रहे हैं? फरा, क्योंकि मैं आपको रोज बिना फिल्टर के देखता हूँ। समीर, हाँ? मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी वो जो ख्वाहिश है ना उसको जो भी पूरा करेगा मैं उसको पूरे 1,00,000 रुपए दूंगी। अच्छा मैं पूरा करूंगा आपकी ख्वाहिश। क्या है वैसे आपकी ख्वाहिश? मुझे 2,00,000 रुपए चाहिए, दे दो ना। दे दो ना। अरे फरा क्या लेके आया आपने? ये देखिए ना, मैंने अपने लिए पर्स लेके आई हूँ। क्या यार कुछ भी उठा के लाते हो, क्या है ये? एकदम घटिया है, कुछ भी तुम्हारी पसंद ना एकदम घटिया है, कुछ भी लाते हो उठा के। ओए हेलो, क्या आपको भी मैंने ही पसंद किया था। सिट शेरू, सिट, सिट फास्ट, सिट। फरा रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। शुरू शुरू में आपको भी टाइम लगा था, वो भी टाइम लगा। सिट। समीर, हाँ? मेरे लिए एक शेर सुना दो ना। अच्छा तो अर्ज किया है। संगे मरमर से तराशा खुदा ने तेरे चेहरे को, संगे मरमर से तराशा खुदा ने तेरे चेहरे को, और बाकी बचा पत्थर तेरी अकल पे रख दिया। आलू का पराठा बना दूं आज आपको? नहीं रहने दो, मैं इंसान ही ठीक हूँ। आई बड़ी जादूगरनी, आलू का पराठा बना दूं। मुझसे बात तो कर रहे नहीं, मेरा फोन भी नहीं उठाया, तो आप किससे बात कर रहे हो? ओ शायद कस्टमर केयर से बात कर रहे होंगे। नो 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 नो। क्या हुआ बेबी? यार सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। तो सुबह से आपने कुछ खाना ही नहीं खाया है, पेट में दर्द तो होगा ही ना। अच्छा खाली पेट रहने से दर्द होता है? अच्छा तो इसीलिए आपके सर में हमेशा दर्द होता है। फरा अपना हाथ दो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता था कि हम दोनों की शादी ना हुई होती, क्योंकि इंसान की नसीब में जो मुसीबतें, जो तकलीफ, जो परेशानी लिख दी जाती है
वो उसको मिलके ही रहती है। समीर समीर उठ जाओ, 9:09। यार मेरी आंखें ही नहीं खुल रही है, कुछ अच्छी सी चाय बना दो या फिर कुछ अच्छी सी बात कर दो जिससे मेरी आंखें खुल जाए। रात भर आप जिससे चैटिंग कर रहे थे ना, वो मेरी ही फेक आईडी थी। बेबी अगर आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो कितना अच्छा होगा ना? अरे वाह, बहुत अच्छा होगा। लेकिन बेबी अगर मुझे उसी दिन किसी ने किडनैप कर लिया और 1 करोड़ रुपए मांग लिया तो? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। वो कैसे? इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी कि एक ही दिन में मुझे 2-2 लॉटरी लगे। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो? यार एक बंदा ना मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहा था, तो मैंने क्या किया, वो सिम ही तोड़ दिया और नया सिम लेकर आई हूँ, और फिर अभी उसको नए नंबर से मैसेज किया। हिम्मत है तो अभी कॉल कर। क्या हुआ फरा, कहाँ जा रहे हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं यहाँ पे रह रह के परेशान हो गई हूँ काम कर करके, और आप भी तो मेरे लिए कुछ करते नहीं हो। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। वैसे आप मेरे लिए क्या कर रहे हो? मैंने आपके लिए ना कैब बुक की है इसी लोकेशन पे। जल्दी चलो 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 चलो। बेबी आपको इंग्लिश आती है ना? हाँ आती है। तो इसका क्या मतलब है, आई एम डोंकी? मैं गधा हूँ। वो तो हो, लेकिन उसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब, बेबी आपको इंग्लिश आती है ना? हाँ आती है। तो इसका क्या मतलब है, आई एम डोंकी? मैं गधा हूँ। वो तो हो, लेकिन उसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब। बेबी सबके हस्बैंड अपने वाइफ को घुमाते हैं, आप मुझे कहीं घुमाते ही नहीं हो। इतनी सी बात, इधर आओ। नो 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 नो, बस कह दो तुम्हें, कह दो या चुप रहूं, कह दो ना। दिल में मेरे आज क्या है, क्या है? खर्चे कम नहीं हो रहे तुम्हारे? नो 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 नो। ओ जी सुनो ना, देखते देखते 1.5 साल निकल गए, अपने शादी को पता ही नहीं चला। तुम्हारे तो देखते देखते निकले होंगे, मेरे तो सुनते सुनते निकले हैं। समीर मैंने अभी जस्ट एक बात सोची है, बेलन भी क्या चीज है। मतलब बेलन से देखो ना, रोटी गोल होती है और हस्बैंड सीधा। समीर अभी अपनी यूनिवर्सिटी आने वाली है, तो आप मुझे कहाँ पे लेके जाओगे घुमाने? यूनिवर्सिटी? हाँ वो होती है ना सालगिरह। अरे पगली, वो मैरिज एनिवर्सरी होता है, यूनिवर्सिटी नहीं। नो 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 नो। समीर हाँ, जरा इसको देखो ना, इसकी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं निकल गई? डेट ऑफ बर्थ? अरे डेट ऑफ बर्थ नहीं पागल, हाँ एक्सपायरी डेट होता है। क्या हुआ बेबी? यार सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। तो सुबह से आपने कुछ खाना ही नहीं खाया है, पेट में दर्द तो होगा ही ना। अच्छा खाली पेट रहने से दर्द होता है? अच्छा तो इसीलिए आपके सर में हमेशा दर्द होता है। तुम मुझसे बात तो कर रहे नहीं, मेरा फोन भी नहीं उठाया, तो आप किससे बात कर रहे हो? ओ शायद कस्टमर केयर से बात कर रहे होंगे। नो 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 नो। समीर यार मैं बहुत मोटी लग रही हूँ ना? नहीं यार, नहीं तो नहीं। नहीं तो फिर चलो ना, मुझे उठाकर किचन में लेकर चलो ना फ्रिज तक। क्यों? मुझे आइसक्रीम खानी है। तो एक काम उठाओ ना।
तो तुम एक काम करो, तुम यहीं पे बैठो, मैं फ्रिज को उठा के लेके आता हूँ। फरा यार आज मेरे को नींद ही नहीं आ रही है, कब से ट्राई कर रहा हूँ। नींद नहीं आ रही है तो एक काम करो ना समीर, किचन में जाके बर्तन धो लो ना, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, वो क्लीन कर दो ना। अरे यार ये नींद में बोलने की बीमारी कब जाएगी मेरी। नो 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 नो। यार हम लड़कियों को तो है ना एक अच्छा हस्बैंड मिल जाए, एक अच्छा घर मिल जाए, उसी में हम बहुत खुश हो जाते हैं। और आप लोग? एक भले आदमी को क्या चाहिए, एक ऐसी बीवी जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करे, एक ऐसी बीवी जो उसको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाए, और एक ऐसी बीवी जो उसके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखे। और क्या, वो तीनों मिलके साथ में रहे। फरा अपना मोबाइल बता ना। अरे ये तो लॉक है इस पे। हाँ तो डालो ना पासवर्ड मेरी बर्थडे। अभी आपको मेरी बर्थडे भी याद नहीं है? मैं जो बोलती हूँ तो याद नहीं रहता, एटलीस्ट बर्थडे तो याद रखते हो समीर, वो भी याद नहीं है आपको। फरा क्या बात है, सुबह से आप उदास लग रहे हो। वो छोड़ो, एक बात बताओ, दिल वाले दुल्हनिया में काजल का क्या नाम था? सिमरन। अच्छा, दिल तो पागल है में कितने हीरोइने थी? दो हीरोइन थी, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर। अच्छा, मैं जब आपसे फर्स्ट टाइम मिली थी तो मेरी फ्रेंड ने कौन से कलर का ड्रेस पहना था? येलो कलर का। अच्छा, याददाश्त काफी अच्छी है आपकी। थैंक यू। बट आप क्यों पूछ रही है सब? क्योंकि कल मेरा बर्थडे था। अच्छा। नो 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 नो। बेबी कल मैं बाजार जा रही हूँ तो 2 किलो मटर ले आओ। अरे फरा आप पूछते क्यों हो, 2 की जगह 3 लेके आओ। नहीं मतलब आप छील दोगे ना। नो 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 नो। मेरे प्यारे हबी, जब मैं अकेली होती हूँ ना तो सोचती हूँ कि मैं तुमसे ये बात करूँगी, तुम्हें ये बताऊंगी, तुम्हें वो बताऊंगी, मैं तुमसे ये शिकायत करूँगी, वो शिकायत करूँगी, लेकिन जब तुम सामने आते हो ना तो तुम्हारी आंखों में देखकर कमबख्त मैं सब भूल जाती हूँ। कि तुम्हारे बाद नजर नहीं आई मुझे कोई मंजिल, किसी और का हो जाना मेरे बस की बात नहीं। बच्चों वाली हरकतें करने वाली लड़कियां सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती हैं।